सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय चैनल वीएस क्रिएशन। आज हम बताने जा रहे हैं इंस्टाग्राम में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। आजकल के वीडियो में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है 3D जूम। आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में, पर लेकिन आपको पता नहीं होगा कहीं पे, मतलब कहाँ से एडिट करते हैं कहाँ से नहीं। सो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से वो ट्रेंड एडिट किया जाता है। सो मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए शुरू करते हैं। सो आपको एडिट करने के लिए मेन एप्लीकेशन जो रहेंगे दो है, एक है कैपकट। ये कैपकट के अलावा किसी में भी वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। सो इस एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करना और गूगल में जाके खाली इतना लिख देना कैपकट एपीके डाउनलोड। सो आपको मिल जाएगा पहला ऑप्शन कहीं कोई भी किसी में भी मिल जाएगा। सो दूसरा एप्लीकेशन है टर्बो वीपीएन। सो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है टर्बो वीपीएन में। उसके बाद इसको स्टार्ट करना है कैपकट को। सो कैपकट प्रोजेक्ट में आप जाइएगा, प्रोजेक्ट में ये देखिए वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो के बाजू में एक फ़ोटो का ऑप्शन है, आप वहाँ जाइएगा। जो ये इफ़ेक्ट है वो खाली फ़ोटो में ही अप्लाई हो सकता है, वीडियो में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ एक दो फ़ोटो लेंगे। बिकॉज हमको ये वीडियो मतलब सिर्फ समझाने के लिए बनानी है, एडिट वेडिट ज़्यादा करनी नहीं है, खाली समझाना है आपको। सो आपने ये फ़ोटो आ गए आपके, सो ये रहा, फ़ोटो को क्लिक कीजिएगा। फ़ोटो को जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको नीचे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे गाइस। सो इसमें आपको मिलेगा ये स्टाइल, स्टाइल करके ये बॉक्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसमें जाइए और देखिए गाइस आपको यहाँ कई सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं अच्छे खासे। सो हमको जो फ़िल्टर चाहिए वो ये वाला फ़िल्टर है 3D जूम प्रो। एक 3D जूम भी आता है पर वो कम इफ़ेक्ट आता है, बट ये 3D जूम प्रो जो रहेगा वो ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। सो गाइज हम इसको करेंगे टैप एंड अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज सर VPN जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सर्वर बाहर का रहेगा। तो सो हमारा इफ़ेक्ट लग चुका है पर अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि दूसरे फ़ोटो के भी वो इफ़ेक्ट चढ़ा देता हूँ। सो थोड़ी देर वेट करिएगा गाइज। एंड देखिए गाइज हो गया ये लास्ट में। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब भी कोई वीडियो इसमें बनाते हैं तो आपको ये लास्ट में एंड में ये जो ऑप्शन रहेगा इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो डिलीट करने के बाद देखिए गाइस अब मैं इस इफ़ेक्ट को देखिए गाइस खाली देखिए खाली फ़ोटो के अलावा खाली इफ़ेक्ट डालने पे क्या ही लग रहा है, जहर लग रही है वीडियो गाइस। देखिए ऐसा लगता है ना फ़ोटो में जान आ गया एकदम, इस तरह से लग गाइस। जैसे ये वीडियो एडिट करोगे आप, आपको ऊपर एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ऊपर मैं बताता हूँ ये वाला ऑप्शन आएगा ऊपर, जो बेसिकली क्वालिटी एंड फ्रेम रेट का ऑप्शन आता है। रिजोल्यूशन आपको 1080 तक मिल जाएगा एंड फ्रेम रेट आपको 60 तक मिल जाएगा। ये फ्रेम रेट आपके वीडियो को एकदम स्मूथ बनाता है, आप कभी भी कोई ट्रांजिशन इसमें यूज़ करते हो जैसे फ़िल्टर यूज़ करते हो एकदम स्मूथ चलेगा। फ्रेम रेट इसकी क्वालिटी बढ़ाता है गाइस। जैसे आप ये आपको फुल कर दोगे गाइस, आपके हिसाब से जो आपको चुनना है वो रख सकते हैं। फिर बाद में आप इसको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है सिंपली, वो डाउनलोड करने में रख दिया, जैसे अब ये डाउनलोड होने में लग रहा है। सो वेट करिए थोड़ा एंड डन। अब ये प्ले करके देखते हैं गाइस, देखो खाली एकदम स्मूथ लग रहा है ना गाइस। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पे। टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।